बिहार के चार विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। ये जो चार विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़ हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में से बेलागंज एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा, तेजस्वी यादव के MY समीकरण और जन सुराज पार्टी की हवाबाजी, या यूं कहें कि जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर की वजूद की लड़ाई बेलागंज में है। इस तरह से बाकी तीन जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे, लेकिन इस पूरे चार विधानसभा क्षेत्रों में बेलागंज की चर्चा सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए होने वाली है कि इस चुनाव क्षेत्र में यह साबित करना होगा तेजस्वी यादव को कि उनके पास यादव, मुसलमान और दलितों के एक बड़े वर्ग की हिस्सा, बड़े वर्ग के वोटों जनाधार है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तेजस्वी यादव यहां से उनकी पार्टी चुनाव जीत सकती है, लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी दुविधा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से खड़ी कर दी गई है और इस तरह से बेलागंज एक दिलचस्प मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है। आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में बेलागंज के इसी दिलचस्प मुकाबले का हम एक एनालिसिस पेश करेंगे जिसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने जो दाव चला है, अगर ये दाव चल गया तो संभव है कि जन सुराज अपना खाता विधानसभा में खोल देगी, लेकिन ये इतना आसान है क्या? इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले प्रत्याशियों की जातीय और सामाजिक समीकरण को समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसे समझ लेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले कि राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ से अपना जो जिस प्रत्याशी को खड़ा किया है उनका नाम है विश्वनाथ यादव। ये विश्वनाथ यादव सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे हैं, वही सुरेंद्र प्रसाद यादव जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत गए थे और उन्होंने इस सीट को खाली कर दिया था। इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी हैं मनोरमा यादव जनता दल यूनाइटेड की हैं और एक मजबूत पकड़ रखने वाली नेता के रूप में उनकी चर्चा होती है। लेकिन जो तीसरी पार्टी है जन सुराज पार्टी, उसने यहाँ से खिलाफत हुसैन को खड़ा किया है। खिलाफत हुसैन एक प्रोफेसर रहे हैं मैथमेटिक्स के, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, काफ़ी बुजुर्ग हैं। ऐसे में मनोरमा यादव और सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटे विश्वनाथ यादव के साथ जो एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे, जो त्रिकोण बनाएंगे, वो खिलाफत हुसैन है। अब सवाल ये है कि क्या बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से खिलाफत हुसैन मनोरमा यादव और विश्वनाथ यादव को पटखनी देंगे? इस चीज़ को समझने के लिए अब आइए हम उस क्षेत्र के सामाजिक समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। बेलागंज में कुल मिलाकर के 280,000 मतदाता हैं। इन 80,000 मतदाताओं में जो शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जातियों का वोट सबसे ज़्यादा है, लगभग 29%, चाणक्य की रिपोर्ट के अनुसार 29%, जो कि करीब करीब 82,000 के आसपास वोटर हैं अनुसूचित जातियों के। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो मुसलमानों का है और यहाँ पे मुसलमानों की के वोटरों की संख्या करीब करीब 47,000 है, जो कि लगभग 17.5% होती है। और इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी आबादी है वह है यादवों की, और यादवों के जो कुल वोटर हैं वो 44,000 के करीब है, यानी कि यादवों की कुल आबादी यहाँ पे 16% वोटरों की आबादी है। ऐसे में ऐसे में ये सारी तस्वीरें लगभग स्पष्ट हो गई होंगी कि ये यादवों का गढ़ रहा है। सुरेंद्र यादव यहाँ से जीतते रहे हैं, उनके बेटा हैं। मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड की हैं, वह भी यादव हैं। अब देखना यह है कि क्या सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव वहाँ से खड़े हैं तो क्या यादवों का वोट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। अगर तेजस्वी यादव ने अपनी कोशिशों से
बेलागंज के यादवों का वोट बटने नहीं दिया तो वो निश्चित तौर पे उनकी पार्टी जीतेगी। लेकिन जो दूसरी चुनौती तेजस्वी यादव की होगी वह यह होगी कि वहाँ पे जो करीब करीब 47,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, तो क्या मुसलमानों का वोट काटने में खिलाफत हुसैन कामयाब हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। अगर खिलाफत हुसैन ने मुसलमानों का वोट काट लिया और इस तरह से यादवों का वोट अगर दोनों तरफ बट गया, जनता दल यूनाइटेड के भी तरफ और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ, तो फिर ये लड़ाई बड़ी धारदार हो जाएगी। वैसी स्थिति में जो 29% के करीब जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वह बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जो बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या वह मुसलमानों और यादवों के वोटों में सेंधमारी करते हैं और क्या उनकी पार्टी बेलागंज के अनुसूचित जातियों के वोटों में का एक बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर यह भी संभव है कि जनसुराज पार्टी बिहार में पहली बार खाता खोल सकती है। लेकिन ये कहना इतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि जो गया ज़िले का जो ये बेलागंज इलाका है, यहाँ पे यादवों के वोटों पर और मुसलमानों के वोटों पर राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत पकड़ है। वो इसलिए भी साबित हुआ है कि 2020 के चुनाव में पूरे बिहार की अधिकतर सीटों पर महागठबंधन की हार हुई थी। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वहाँ से सुरेंद्र यादव जीते थे, यानी कि MY का समीकरण ने मजबूती से साथ बनाए रखा। तब इस सब के बावजूद अनुसूचित जाति जो वहाँ पे 29% है, उस समुदाय ने भी राष्ट्रीय जनता दल को की भरपूर मदद की। अब एक इसमें से तीसरा पक्ष ये है कि यादवों का जो वोटिंग पैटर्न है वो आम तौर पे लोकसभा के चुनाव में बट जाता है, भारतीय जनता पार्टी NDA की तरफ भी वोट चला जाता है। लेकिन यह देखा गया है कि विधानसभा के चुनाव में यादवों का वोट नहीं बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे चुनौती यह है कि मनोरमा देवी भी यादव प्रत्याशी हैं और वह जनता दल यूनाइटेड से हैं, तो क्या वह यादवों का वोट काटने में सफल होती हैं?